हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले किस तरीके से आप एडिट पॉली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्शन कर सकते हैं। तो कॉमनली यूज्ड सेलेक्शन होता है, जैसे कि चेकर सेलेक्शन होता है, वो भी हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक प्लेन यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। प्लेन क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होगा, F4 से इसका जो भी सेगमेंट्स वगैरह एक्टिवेट कर देना होगा ताकि आपको विजिबल हो जाए। और लेंथ सेगमेंट एंड विड्थ सेगमेंट हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर हमें इतना जो भी फॉर्म में अगर आपको सेलेक्ट करना है तो किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट पॉली में जाना होगा। जैसे कि एडिट पॉली मॉडिफायर में जाने के बाद आपको यहाँ पर पॉलीगॉन अवेलेबल रहेगा, पॉलीगॉन सेलेक्शन। अगर मान लीजिए इतना पोर्शन आपको सेलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पर 1x1 सब सेलेक्ट करते हैं। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसका जो इजी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, आपको क्या करना होगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए इतना पोर्शन आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल इतना पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपको ये पोर्शन सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से भी ऑरिजॉन्टल, एंड यहाँ पर हमारा जो भी वर्टिकल सेलेक्शन आप यहाँ से इस जो भी हमारे शिफ्ट प्रेस करते हुए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको अगर चेकर्स फॉर्म में अगर सेलेक्शन करना है किसी भी तरीके का पॉली मॉडलिंग के लिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पर भी 1x1 यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसका भी एक ट्रिक है, आपको क्या करना होता है, यहाँ से जो सेलेक्शन में कस्टमाइज में जाने के बाद कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में एक ऑप्शन होता है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेकर्स का जो पैटर्न है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। चेकर्स अवेलेबल है, आप चाहे तो इसका जो ऑट की जो शॉर्टकट की है वो असाइन कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, Shift+L रहेगा। तो जैसे आप सेव कर देंगे वहाँ पर वो असाइन हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा और सिंपली अपने कीबोर्ड से Shift+L जैसे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी चेकर्स फॉर्म है वो सेलेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा बहुत ही सिंपल वे में। तो आपको यहाँ पर मैन्युअली 1x1 सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपका टाइम सेव हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जितना पोर्शन सेलेक्ट हुआ है, चाहे तो आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, आप एक्सट्रूड करना हो तो डायरेक्टली यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हैं इतना पोर्शन। ये आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, ऑटोमेटिकली जितना भी चेकर्स यहाँ पर पैटर्न था वो हमने सेलेक्ट कर लिया है और उसको हमने एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई किया। तो इसी तरीके से आप एकदम सिंपल वे में एंड ईजी वे में क्या कर सकते हैं, जो चेकर्स सेलेक्शन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग एडिट पॉली। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।